कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मनीष तिवारी इज स्पीकिंग ऑन गुजरात. लेट्स कट अक्रॉस एंड लिसन इन. कैंपेन का या अपनी बात को कहने का नया नया तरीका ढूंढ रहा है. किस तरह से चिट्ठी लिखेंगे तो वो कैंपेन में नहीं आएगा, दायरे में नहीं आएगा, लेकिन बात मीडिया के जरिए रिफ्लेक्ट होगी. देखिए, अगर आप पिछले 3 महीने के घटनाक्रम को एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुजरात की भाजपा और गुजरात के मुख्यमंत्री जो मूलभूत गुजरात के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उनके ऊपर जवाब देने से कतराते रहे हैं. सदा से उन्होंने एक नीति अख्तियार की है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड स्कूट, कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर निशाना साधो, अनर्गल आरोप लगाओ, जिससे कि अपनी जो खामियां हैं, जो अपनी कमी पेशियां हैं, उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे. पर गुजरात की जनता बहुत ही एक संजीदा जनता है. वो जानते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करना है. और सरकरी के मामले को लेकर जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति गुजरात के मुख्यमंत्री ने करने की कोशिश की है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है. और गुजरात की जनता को ये सोचना चाहिए कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना पार्टी और ऐसे गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री के हाथ में क्या प्रदेश की बागडोर एक बार फिर देनी चाहिए. मनीष, मोदी बार बार पीएम पर हमला कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो नेशनल लेवल पे अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं? देखिए, पोस्चरिंग नेशनल लेवल पे नहीं कर रहे. जो उनकी प्रदेश की खामियां हैं, जो पिछले 11 साल में उनकी प्रशासनिक खामियां रही हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, 1,00,000 करोड़ रुपए का राज्यसभा को नुकसान हुआ है, जितने मानवीय विकास के मापदंड हैं उस पे गुजरात पिछड़ा है, पर कैपिटा इनकम गुजरात की बाकी प्रदेशों के बनस्पत बहुत कम रही है, तो ये जो सारे मुद्दे हैं कि पिछले 11 वर्ष में गुजरात में किसी लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, और वही भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर, कथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर संसद की कार्रवाई रोकती है. सो ये जो उनकी कथनी और करनी में फर्क है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ऐसी गैर जिम्मेदाराना नीति को ऐजाद किया. इस पर गवर्नमेंट को क्या कहना है सर? और बीजेपी ने भी इश्यू उठाया है कि पीएम आए पार्लियामेंट में और एक्सप्लेन करें कि अभी तक उनको हैंग क्यों नहीं किया. देखिए, सबसे पहले तो 13 दिसंबर 2001 को जो हुआ वो एक अत्यंत ही दुखद वाक्य.